बजट आया है, कोई उसे सकारात्मक नजरिए से देखेगा, कोई नकारात्मक नजरिए से देखेगा, लेकिन आपने कपीश जी को सुना, वो कह रहे कि इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, तो क्या वाकई जमीन पे ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जरूरत है उस नजर और नजरिए की। हम क्या चाह रहे थे और हमें क्या मिला है, क्या उम्मीदें लगाई थी और उसके बदले में हमने क्या हासिल किया है, ये बहुत कुछ तय करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निर्मला सीतारमण के इस पूरे कंटिन्यू एक के बाद एक इस बजट को अगर आप देखिए, तो कहीं ना कहीं उस बजट को आप फ्यूचर का, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्यूचरिस्टिक बजट के तौर पर, भाई सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया है। सरकार की मंशा है कि वो जो है स्टार्टअप प्लान्स व अन्य चीजों के जरिए एमएसएमई सेगमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए, उसमें वो चाहे ओडीओपी हो या फिर जो है वो फिर दूसरे उपक्रम हो, इसको लेकर के काम किया गया। जिस तरीके से सरकार ने ये कोशिश की है कि आप सोचिए, अगर आप जो है 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं महीने का, तो फिर उस 30 लाख से ऊपर, माफ कीजिएगा, अगर आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर एक बड़ा बोझ जो है टैक्स का डाला गया है। तो सरकार की मंशा पहले भी यही थी कि भाई जो ज्यादा कमा रहा हो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा हो कम टैक्स दे। लेकिन एक बात आप समझिए, पहले हम लोग जो उम्मीद करते थे कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, दरअसल जीएसटी ने वो सब छीन लिया है। 90% प्रोडक्ट तो आपके जीएसटी के दायरे में है और जीएसटी के स्लैब को तय करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। बजट में वित्त मंत्री चाहे भी तो उसे सस्ता और महंगा नहीं कर सकती। केवल सरकार का काम क्या था, उस मैकेनिज्म को देना, उस एनवायरमेंट को क्रिएट करना, और उसके लिए जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो तमाम सेगमेंट को जो सेगमेंट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। युवाओं को आप पिछली बार भी ये था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है हम स्किल्ड करेंगे, जो है जब स्किल्ड करेंगे उनको स्किल्ड के जरिए जो है हम उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ेंगे। अब आप रोजगार का पैमाना, अगर आपको सरकारी नौकरी, तो सरकार ने निराश की अपने इस बजट से, लेकिन अगर रोजगार को आप जो युवा हैं जो लोग हैं उनको अगर आप जो है ज्यादा एजुकेट होके ज्यादा एक्सपर्ट बना करके अगर आप उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से पॉजिटिविटी है। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए, देखिए एक उम्मीद कर रहे थे हम लोग हाउस टैक्स, चूंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं जो है उससे जूझ रहे हैं कि अगर हाउस टैक्स की जो कम से कम ईएमआई थी, क्या उसमें कुछ कमी आएगी कि नहीं कमी आएगी, लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई भी बदलाव नहीं है। तो एक आम आदमी इस बात से निराश जरूर है, आपने आईटीआर के स्लैब में बदलाव तो किया, लेकिन स्मार्टली आपने वो केवल नए जो है इनकम टैक्स के जो है पेयर्स के लिए आपने ला दिया। जो लोग, हम सारे लोग जो पहले से इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो तो एडिटिव हो गए, वो तो आप 3 से 5 लाख के बीच में आपने फिर से जो है वो 5% के टैक्स दायरे में ले आए, तो स्लैब तो आपने बदला, लेकिन टैक्स के दायरे में हम एजिटेज है। ओवरऑल आप सोचिए, तो जाहिर सी बात, कपीश जी जो कह रहे हैं मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि दरअसल ये स्मार्ट गेम भी है, ये एक चकमा देने की बात भी, कि कह दिया 7 लाख तक जो इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ से अब आप सोचिए, आपके पास नया तबका कितना है, नई रिजीम आपके पास कितनी है, महज 5 से 10% नई रिजीम है, 90% आपके पास वो पुराने इनकम टैक्स लैब वाले हैं, तो 90% लोग तो कहीं ना कहीं उससे कोई लाभान्वित तो नहीं हो रहे ना। पहले 2.5 लाख था, आपने 3 लाख किया, 3 लाख से आपने जो है 5 लाख तक आपने जो है 5% में कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो उससे बहुत ज्यादा उससे कोई बहुत फायदा नहीं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसमें 50 एयरपोर्ट्स की बात की गई है, आप उस तरह ट्रेनों को लेकर के जो है ये किया गया कि भाई ट्रेनों को और ज्यादा वो चलाया जाएगा, रेलवे के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, रेलवे की कनेक्टिविटी को और स्मूथ की जाएगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि जो रेलवे की फैसिलिटी है वो और ज्यादा जो है तेजी के साथ काम करे। मेट्रो के विस्तार की बात की गई, तो ये वो तमाम चीजें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार का अगला कॉन्सेप्ट यही है, चूंकि लगातार हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार हम लोग ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे हुए हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार ने जो है काफी हद तक छूट दिया। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए, तो जो सरकार का विजन है, जो सरकार का मिशन है, उसको आगे बढ़ाया।
किसानों के लिए 20 लाख करोड़ तक की जो ऋण की योजनाओं की गई है, तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा कम कीमत पे ऋण मिले, उनके लोन में छूट मिले, ये सरकार ने उसको सुनिश्चित किया है। तो किसानों को, इस तबके को भी खुश करने की कोशिश की है। तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तो आप हवा में भी उड़ेंगे और जमीन में भी मजबूती के साथ फर्राटा भर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी जेब हल्की जरूर करनी पड़ेगी, बात बिल्कुल तय है। तो ये जो कहीं खुशी कहीं गम या थोड़ा मायूसी और थोड़ा खुशी को मिलाकर के पूरा बजट आया है। ठीक है, यानी मिला जुला ये बजट जो है वो देखा जा रहा है।